जी, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो कर रहे थे उसमें ये था कि हमारे पास जैसे ही हम लोग फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट के ऊपर हमने टेक्स्ट का इमेज रखा था, उसके ऊपर एक लेयर ली थी और उसको व्हाइट कलर से फिल किया, ठीक है, और उसकी मैंने ओपेसिटी 75% की। आप अपनी रिक्वायरमेंट डिजाइन बेस के ऊपर ओपेसिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। कलर चेंज करना चाहते हैं आप अपने बकेट से, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने व्हाइट रखा हुआ है, आप कोई और शेड अप्लाई करना चाहें लाइक ब्लू। ब्लू ऑलरेडी इसमें है, बहुत ज्यादा ज्यादा यूज हुआ है, तो ब्लू नहीं, हम किसी और कलर का शेड अप्लाई कर लेते हैं, येलो का कर लें। आप अप्लाई करना चाहें जो फिल्टर आप उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी यानी कि टेक्स्ट का उसके ऊपर ला रहे हैं ट्रांसपेरेंट किस्म की, तो वो आप जिस कलर की आप लाइक करें उसी तरह की ले सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों की स्टाइलिंग है, आप लोग जिस तरह से स्टाइल आपको लगता है कि अच्छा लगेगा आप वही कलर सिलेक्ट अडॉप्ट कर सकते हो। तो मैंने अब ये येलो शेड दिया, आप लोग मुझे गाइड करें कोई और कलर अगर शेड देना चाहते हैं तो। चैट में बेटा मुझे बताएं, मैं आपको की चैट रीड कर रहा हूं। येलो शेड ठीक है, ये कोई और शेड अप्लाई करना है? फिर उसके बाद मैंने टेक्स्ट लिया था, टेक्स्ट मैंने कौन सा सिलेक्ट किया था, 200 पॉइंट्स इसका साइज रखा था। मैं 200 से अबव करना चाहता हूँ अपने डिजाइन की बेस के ऊपर, तो मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 300 कर दिया ताकि और बड़ा प्रोमिनेंट टेक्स्ट दिख। मैं कर देता हूँ क्रिएटिव, फिर अगर मैं टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना चाहूं बोल्ड या, ठीक है, तो वो भी मैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूं। फिर उसको करने के बाद जब मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा तो ये मेरी उस तरह की सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगी, इसे सिलेक्शन को मैं मूव कर सकता हूं, ठीक है। ठीक है, सिलेक्शन को मूव किया तो उसने क्या कि उस लेयर को कट कर दिया, जैसे हम इमेज क्रॉपिंग का टास्क करते थे। और अगर 3D इफेक्ट थोड़ा बैकग्राउंड का शेड देना चाहते तो मूव करके इसे थोड़ा सा साइड पे रख दें लाइक, ठीक है। तो ये देखें ये किस तरीके से, तो बेसिकली क्रिएटिविटी हमारी, हम डिजाइन को किस तरीके से मैनेज करना चाह रहे हैं। तो आप ठीक है, अब ये भी एक तरीके की डिजाइनिंग स्टाइलिंग ये भी हो सकती है, इससे भी ये टेक्स्ट रीडेबल भी हो गया है, ठीक है। और यानी कि शेड कट ऑफ हुआ, टेक्स्ट लिखा हुआ हो आप उसको इसी को फिल भी कर दें। अगर मैं अब बकेट लेके कोई और कलर ले लेता हूं, मैं रेड, ठीक है जी। अब ये दिखेगा भी टेक्स्ट और बैकग्राउंड भी, तो ये 3D इफेक्ट भी दे रहा है मेरे पास और टेक्स्ट को कलर भी मैंने कर लिया है। मैंने क्या किया है, मैंने सिलेक्शन करने के बाद, क्योंकि हमने रीड किया हुआ था कि अगर सिलेक्शन हुई हुई है और फिर मैं कलर करूंगा तो वो सिर्फ उसी प्लेस पे होगा जिस पे सिलेक्शन हुई हुई है। तो ये आप, इट्स ऑन टू यू कि आप किस तरीके का स्टाइल थिंक करते हो।
बेसिकली क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी आप लोगों का दिमाग है, आप लोगों का सोचने का स्टाइल है, आप लोग किस तरीके से किस स्टाइलिश बना सकते हो। ठीक है, अगर कोई कलर नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसको पढ़ा तो जा सकता है बट रीड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यानी कि ये टेक्स्ट का के अंदर से प्रोमिनेंट आपका वो बैकग्राउंड जो हमने हाइड किया हुआ है, यानी कि जिसके ऊपर शेड दिया हुआ है, वो दिखाई, तो उसके लिए आप क्या करें, एडिट में जाके क्लियर पे क्लिक कर दें, तो वो एरिया आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो बेसिकली डिजाइनिंग जो है वो आप लोगों की क्रिएटिविटी है, वो आप लोगों पे बेस करती है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। मॉकअप्स बनाने की तरफ जाना है, ठीक है, हम खुद मॉकअप बनाएंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमें ये चीज समझ नहीं आई है, तो हम कार्ड्स मॉकअप या डिफरेंट मॉकअप, सारे मॉकअप तकरीबन एक ही तरीके से बनते हैं, बट वो आप लोगों ने उसकी स्क्रीन वगैरह उस हिसाब से थिंक करनी है। तो अब हम ठीक है जी, यहाँ तक। या आप लोग डिफरेंट इमेजेस देखते हैं उनमें इस तरीके से होता है कि बैकग्राउंड जरा क्लियर आपको टेक्स्ट के अंदर से दिखाई दे रहा होता है, तो ये वो उस व्यूज के अंदर हम लोग इस तरीके से मैनेज करेंगे उन व्यूज को। अच्छा जी, फोटोशॉप में किसी किसी किस किस बच्चे की इंस्टॉलेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम्स हैं या वर्किंग नहीं हो रही है, सो मुझे बताया। रिमशा याकूब ने कहा था कि सर मेरा सिस्टम स्लो है, सो उस पर इंस्टॉल वर्किंग नहीं कर रहा। तो बेटा आप उसको मे बी वो आपसे कोई फाइल सही इंस्टॉल ना हुई हो, आप अगेन उसको इंस्टॉल कर लें। मेरी आवाज क्लियर है बेटा? बेटा विंडो अनइंस्टॉल करके विंडो न्यू इंस्टॉल करें, फिर उसके बाद कर लें। अच्छा जी, अब हम लोग मैं स्क्रीन जनरेट कर रहा हूं आपसे। स्क्रीन शो हो रही है आपको बेटा? गूगल क्रोम की मैंने स्क्रीन शेयर की है। कुछ इस तरह के मॉकअप्स भी होते हैं। जिनके अंदर आपके कार्ड किसी पर्सन के हाथ में
जीओएस अटेंडेंस आपकी लग जाएगी, ठीक है। फिर कुछ, ये तो कार्ड्स की थी, पोस्टर मॉकअप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं पोस्टर मॉकअप, दीवार के ऊपर जैसे पोस्टर लगा हुआ तो कैसा लगेगा? कुछ पड़े हुए पोस्टर कैसे लगेंगे? ठीक है, तो हम मॉकअप्स को देखते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट में। तो मैं वॉल, यही तस्वीरें दीवारें थी जो वहां पे इस्तेमाल हो रही थी मॉकअप्स के लिए। जी बेटा बताएं किन किन की अटेंडेंस? तूबा अहमद, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद अवैस, ऐदुर रहमान, ठीक है जी। मैं मॉकअप किसी भी वॉल का देना चाहे, पहले उस वॉल को सिलेक्ट करें, ठीक है, जिसके लिहाज से आप मॉकअप बनाते हैं। तो जी मुझे कुछ ये वाली वॉल अच्छी लगी है, बट इसका साइज बहुत कम है, सो मैं इसी कैटेगरी में देखता हूँ कोई और मुझे मिल जाए वॉल, बैकग्राउंड वॉल। ये भी अच्छी है, साइज इसका कुछ बेहतर है दूसरे से। मोर वॉल भी देख लेते हैं। किसी तस्वीर को रियल एनवायरनमेंट में दिखा देने को मॉकअप बोलते हैं, कि वो लाइक किस तरह की एक लोकेशन देगी बनने के बाद आप लोगों के पास। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये इमेज हम पिक करते हैं तो देखें जैसे ये धागे से इस पिक में लगे हुए हैं, हम इन धागों की जगह अपना पोस्टर लगा दें, एक मॉकअप ये भी बन सकता है। वॉल का बनाना चाहें तो वॉल का तो सबसे आसान है कि आप दीवार के ऊपर वो बन लगा के दिखा दें।
इनकी ना क्वालिटी थोड़ी सी, मैं जरा हाई क्वालिटी कर दूं, एचडी कर लेते हैं हम लोग। ये unsplash.com की इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, तो मैं इस इमेज को सेव कर रहा हूँ। और कोई वॉल, ये भी अच्छी है, नाइट की हमने वर्किंग दिखानी हो तो उसके लिए। जी अब हम बनाते हैं वॉल मॉकअप, तो मैं फोटोशॉप की तरफ अगेन जा रहा हूं। अच्छा जी, ये आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है फोटोशॉप की। सबसे पहला काम मेरा क्या था, मैंने बैकग्राउंड लेना था, याद हो आप लोगों को, लास्ट टाइम भी मैंने मॉकअप बनवाया था आप लोगों से। तो मैंने क्या करना है, इमेज को मैंने वॉल सिलेक्ट की है, तो वॉल मैंने दो तरह की सिलेक्ट की है, एक वॉल जनरल है, एक वॉल टू है। पहले मैं वॉल टू को ओपन कर लूं, मैं दोनों के मॉकअप बनाऊंगा। ये नाइट के वक्त कैंप, जिस तरह से कोई हमारे पास इमेज ओपन हो तो वो किस तरीके की हमें लुक देगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये वॉल सिलेक्ट की है, और एक इमेज और है वो जो दिन के लिए। मैं दोनों के मॉकअप इकट्ठे ही बनाता जाऊंगा ताकि आप लोग देख सके। ये पहले हम एक बना लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि मेरे पास मॉकअप का के लिए मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है। अब दूसरा काम है मैंने अपना पोस्टर, तो पोस्टर मेरे पास आई थिंक डेस्कटॉप पे बना हुआ है। आप लोग पोस्टर अपना जो भी आपका बना हुआ है पहले वो वेरीफाई कर लें कि बना हुआ पड़ा है आपके पास। जी, मेरे पास वो बाटा वाला जो हमने पोस्टर बनाया था वो पड़ा हुआ। आवाज नहीं आ रही है मेरी? बेटा इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, बट मेरी तरफ कोश घर पे इंटरनेट मोस्टली कभी प्रॉब्लम करता नहीं है। मे बी हो सकता है स्पीड अप डाउन हो रही हो। अब देखें, पोस्टर लगाओ इस प्लेस पे तो वो कैसा लगेगा, तो वो ये एनवायरनमेंट मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं उसे रियल एनवायरनमेंट यानी कि वॉल का एनवायरनमेंट दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए हमने मॉकअप बनाने के लिए हमने लास्ट टाइम कुछ चीजें मैंने आपको गाइड की थी। पहली चीज ये थी कि मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, तो सो मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट करके मैंने ओपन कर लिया है। यानी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर आप तो काम करो, कि वो दीवार पे देखना चाहता है, किसी साइन बोर्ड पे देखना चाहता है, वो उसकी चॉइस है, ठीक है। हम साइन डिफरेंट मॉकअप आज देखेंगे। तो ये बैकग्राउंड मैंने एक इमेज ले लिया है। अब नेक्स्ट वर्क है मेरा कि मैंने अब वो स्मार्ट लेयर बनानी है, यानी कि जिस लेयर के ऊपर, क्योंकि ये तो मेरा बैकग्राउंड लेयर है, ठीक है। अब मुझे स्मार्ट लेयर चाहिए जिसके अंदर वो मैं अपना इमेज यानी कि प्लेस करूंगा, जिस प्लेस के ऊपर मेरा इमेज मुझे फिट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। उस प्रोजेक्ट का फॉर एग्जाम्पल मैं नेम ही रख देता हूँ पोस्टर, ठीक है।
तो ये प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया और इसका साइज मैंने अपने पोस्टर का देना है, जो मेरे पोस्टर का है, तो पोस्टर का साइज मैं सेट कर लेता हूं अपने पास A4, ठीक है जी। तो ये मैंने A4 साइज का पोस्टर सिलेक्ट कर ली, ये मेरा एक वो पोस्टर का आ गया। अब मैंने करना कुछ भी नहीं है, मैंने इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है। ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो चुका है। करने के बाद मैंने नेक्स्ट काम करना ये है कि स्मार्ट लेयर जब ये कन्वर्ट हो गया, इसको यहां से माउस के जरिए ड्रैग करते हुए अपने उस प्रोजेक्ट पे ले जाना है जहां पे मैं प्लेस करना चाहता हूँ। अब ये मैंने प्लेस किया, इसका तो साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, तो मैंने राइट इसे क्या कर लेना है, मैंने यानी कि इस लेयर को कंट्रोल टी, इससे क्या होगा ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका इसका साइज ना बहुत ज्यादा बड़ा है मेरे यानी कि क्वालिटी ना बहुत ज्यादा यानी कि इस लेयर की ज्यादा है, तो मैं इसका साइज को रिड्यूस करूंगा। क्योंकि आपको पता है आप कॉर्नर से जब छोटा करते हैं तो वो उसी रेशियो के साथ छोटा होता है। आप इस पोस्टर के जैसे प्लेस रख साइज वगैरह रखना चाहते हैं कि कैसा दिखे, आप उसी तरीके से इसको रख लेंगे, ठीक है जी। जिस साइज में आप दीवार पे उसे शो करना चाहते हैं, हाइट वेट उसकी कम करना, ठीक है, तो आप इस स्मार्ट लेयर को रख लेंगे। अगर आप इसके ऊपर कोई और काम इसको स्केल या रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो एक्शन भी इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। प्रस्पेक्टिव करना चाहते हैं, जो भी टास्क आप इस पे करना चाहें वो सारे ही पॉसिबल हैं। रोटेट करना, ये देखें मैं इसके राइट क्लिक कर रहा हूं, रोटेट 180 डिग्री, ठीक है, रोटेट 90, ठीक है, क्लॉकवाइज ये 90, काउंटर क्लॉकवाइज, फ्लिप हॉरिजेंटल, ठीक है, या फ्लिप, तो ये सारे काम आप यहां से परफॉर्म कर सकते हैं किसी स्पेशल एंगल में। रोटेशन के लिए आपके ऊपर स्पेसिफिक एंगल भी मौजूद है, हाइट विड्थ आप कितनी रखना चाहते हैं ये ऊपर से आपको ऑप्शन बार में टॉप पे दिखाई भी दे रहा होगा, और किसी शेप में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे पास डिफरेंट एक्शन मौजूद है। ताकि आप इसके डिफरेंट ग्रिड्स को ये देखें, ये पोजीशन हमें मूव करने के लिए ज्यादा जो इस्तेमाल होती है हमारे पास, जब हम लोग किसी प्लेस के हिसाब से इसको मूव करना हो। मैश जी, यहां कह सकते हैं आप, ठीक है, आप इसको जब फिट फाइनल कर लें, जब आपका फाइनल हो जाए आप उसको यहां से ट्रांसफॉर्मेशन एंड कर।
जी आप रोज कॉलम ऐड करके उसके ग्रिड को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आप उसके ऊपर और स्टाइलिंग और ज्यादा डेप्थ में जाके करना चाहते हैं वो कर सके। वो बेसिकली उस पिक्चर को उसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब जी नेक्स्ट वर्क आ जाता है हमारा। अब मेरा ये बन चुका है, मेरा जो कहने के मॉकअप वॉल मॉकअप बन चुका है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और जो मैंने वो पोस्टर का एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें स्मार्ट लेयर क्रिएट की थी, इसको मैं एंड कर दिया। अब मैं जब भी इस लेयर के ऊपर डबल, इस लेयर का नाम मैं कर देता हूँ पोस्टर, ये रिनेम की है पोस्टर कर दी कि यहाँ पे, या प्लेस पोस्टर हेयर आ, या आप कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहें। ओके ठीक है तरीम गुर बेटा। तो ये मैंने पोस्टर कर लिया। अब इसके अब जब भी नेक्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे कोई भी पोस्टर वगैरह लगाना है, ये मैंने एक मॉकअप बना लिया वॉल मॉकअप, तो जब भी मैं इसको लगाना चाहूं मैं यहाँ पे आके डबल क्लिक करूंगा। तो ये मेरे पास ने नेक्स्ट लेयर पे प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो भी इमेज है मेरा, ठीक है पोस्टर का, तो मैं यहाँ पे कौन सी थी प्लेस एम्बेडेड पोस्टर को यूज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी मॉकअप आप नेट से डाउनलोड करें, या ये आपका इस टाइम मॉकअप फुल रेडी है, ठीक है ये इसकी पीएसडी फॉर्म है, मैंने पीएसडी में से सेव किया। अब जब भी मैंने इस जगह पे कोई इमेज प्लेस करना है, ये मॉकअप रेडी है, मैं इसके ऊपर आके डबल क्लिक करूंगा तो वो नेक्स्ट लेयर में इस तरीके से ओपन हो जाएगा। मैं फाइल में जाऊंगा, प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप पे मेरे पास डिफरेंट पोस्टर्स पड़े हुए हैं। ये मेरा पोस्टर आ चुका है, इसकी मैं जो भी साइज वगैरह सेट करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए मैं सेट कर लूंगा। और जैसे मैं इसे ओके करूंगा और कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तो ये देखिए मेरा पोस्टर यहाँ पे लग चुका है। ठीक है इसके फिर आप एक्सपोर्ट कर लें इमेज में, या जिस तरह जिस फाइल में आप इसे सेव करना चाहें वो आप सेव कर सकते हैं। जेपीजी चाहिए, पीएनजी चाहिए, या पीएसडी ही आपको चाहिए तो आप उस फॉर्म में से सेव कर सकते हो। यानी कि आपने जो पोस्टर डिजाइन किया हुआ था वो आपका पोस्टर प्लेस हो चुका है, और आप इसको अब क्लोज कर दें तो आपका मॉकअप कंप्लीट हो चुका है। बनाना कोई इतना हार्ड कोडेड मुश्किल वे नहीं है, ठीक है मॉकअप हम बहुत इजीली बना सकते हैं। जी जवाब आपने हैंड रेज किया हुआ क्वेश्चन है आपका। जी ये मैं दूसरे प्रोजेक्ट में भी करके दिखाता हूँ, एक और प्रोजेक्ट हम अभी करते हैं, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को मिस हो गया, ठीक है कोई इश्यू है वो मुझसे क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं वो कर ले मैं बता देता हूँ, बट ये कि मैं चाह रहा हूँ कि टाइम वेस्ट किए बगैर हम दूसरे ज्यादा एक दो तीन मॉकअप्स पे ट्राई कर लें। जी वो भी हम बनाते हैं, उमेर रोटेशन वाला भी बना लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कुछ स्कूल
अच्छा ऐसा करें, पहले ना आप लोग आज डिफरेंट चीजें बनाएं, दो तीन ग्रुप्स ना मुख्तलिफ चीजें बनाएं, या पोस्टर को ही हम और तरीके से अप्लाई करके देख लेते हैं। कोई हमने लैंडस्केप में पोस्टर डिजाइन किया था कभी? या मैं पोस्टर भी नेट से ही उठाता हूँ और आप लोगों जनरल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी ये स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों के पास। हम ना ये वॉल मॉकअप बनाना तो हमने देख लिया है। हाँ वो रोटेशन वाला भी मैं सोच रहा हूँ। हम लोग ये भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, डोमिनोज की लगे हुए वॉल के ऊपर, पर मुझे हाई क्वालिटी इमेजेस चाहिए। मैं चाह रहा हूँ हाई क्वालिटी हो थोड़ा। आजकल ट्रेंडिंग वैसे इस तरह के इमेजेस चल रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली ग्राफिक्स से बना हुआ है, कोई इतना अच्छा नहीं है, बट इस तरह की इमेजेस को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इस तरह के मॉकअप्स भी बहुत डिमांडेड है आजकल, बट हाई क्वालिटी मुझे नहीं कोई इमेज मिल रहा जिसके ऊपर हम लोग ज्यादा अच्छे से देख सकें। लोगो वगैरह का जो ट्रेंड है वो ज्यादा इस तरह से है। मैं साइन बोर्ड कुछ भी करके सर्च करते हैं, मे बी हमें कोई अच्छे मिल जाए। एक साइन बोर्ड देख लिया है, और कोई? आप लोग मुझे चैट में गाइड करेंगे सर ये वाला इमेज लें कि ना लें। बिल बोर्ड्स भी ले लेते हैं जी। ये वाला ले लें फैसल, इससे अच्छा मिले कोई हाई क्वालिटी। इसकी क्वालिटी अच्छी है जी। ये इशू ही आता है। बताते ये लोग बहुत हाई क्वालिटी है, बट हम लोग जब डाउनलोड करते हैं तो बहुत लो क्वालिटी निकलते हैं। ये बताया तो उन्होंने बहुत हाई क्वालिटी है, पीएनजी इमेज। इस वेबसाइट पे ही देख लेते हैं कोई और हमें बिलबोर्ड मिल जाए। ये वेबसाइट भी अच्छी है, HIP wallpapers.com। इसका लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, चैट में लिंक आ रहा है आप लोगों को। आप लोगों ने ये प्रैक्टिस के अंदर ये चीजें इस्तेमाल कर किया करें, बल्कि अपने पास कॉपी करके रख भी लिया करो फैसल, ताकि
ताकि कोई बाद में मांगे तो उसको दे सको आप, ठीक है। जी फैसल की डिमांड पे हमने बिलबोर्ड्स लिए। इस वाले पे करें, किस वाले पे करें फैसल? मुझे यार गाइड भी किया करो आप लोग। अब एक ना पोस्टर भी ले लें, देखें जी जैसे ये बिलबोर्ड है, हम इस तरह की कुछ चीजें दिखाने के लिए करेंगे। अच्छा ये देखें यहाँ पे बैकग्राउंड पोस्टर्स के लिए डिफरेंट अवेलेबल हैं, इनको भी आप लोग यूज कर सकते हो, हाई क्वालिटी हैं, इनके बैकग्राउंड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बट मुझे तो पोस्टर डिजाइन हुआ हुआ चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये आप लोग अपने पोस्टर्स भी क्योंकि खुद डिजाइन करते हैं, तो ये मूवीज के पोस्टर आ रहे हैं। तो आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी पोस्टर डिजाइन कर लेंगे, कोई भी तस्वीर, कोई भी चीजें, ठीक है, जो आप उस पे बिलबोर्ड वगैरह पे दिखाना चाह रहे हैं। तो मैंने अभी जस्ट एक सिंपल पीएनजी लिया है और एक इस्लामिक पिक ली है, रोजे रसूल। मैं फोटोशॉप की स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी मैं अब आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ बैकग्राउंड इमेजेस जो हमने सेलेक्ट किए हैं मॉकअप्स बनाने के लिए बिलबोर्ड्स के। फैसल ने कहा कि बिलबोर्ड्स पे कर लें, ठीक है, तो ये मैंने ओपन किया। एक ये बिलबोर्ड है हमारे पास और मैंने दो बिलबोर्ड डाउनलोड किए हैं बैकग्राउंड इमेजेस। तो अब आप लोग गाइड करें किस पे काम करें। ये दो बिलबोर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, एक ये है और एक ये, ठीक है जी। ये आप लोगों की अपनी चॉइस, आप किस पे वर्क करते हैं। आप पहला काम क्या करेंगे, इमेज, इमेज साइज में जाके इमेज की क्वालिटी चेक कर लें, ठीक है जी, कि कितनी उसकी वर्किंग है जी। इनकी हाई रेजोल्यूशन है तो ओके, अगर आपने अपने इमेज को बड़ा या छोटा करना है तो वो आप कर सकते हैं। इमेज का साइज लाजमी चेक किया करें, क्योंकि मैं भी अक्सर होता है कि बैकग्राउंड इमेज मेरे के पिक्सल्स बहुत कम हो रहा है, फिर वहां पे मेरे पास प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ जी किस बिलबोर्ड पे काम करें, इस वाले पे या इस वाले पे? फर्स्ट फर्स्ट सेकंड, ठीक है जी। फर्स्ट पे काम कर रहे हैं तो यानी कि फर्स्ट ये है जी, हमारे पास बैकग्राउंड में हमारे पास एक शहर का एनवायरनमेंट, उसके आगे एक बिलबोर्ड लगा हुआ है और उस बिलबोर्ड के ऊपर हमने एक अपना पोस्टर प्लेस करना है। तो मैं फिर दूसरे को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि इस तरीके से मेरे पास ऑलरेडी बहुत सी विंडोज हो जाएंगी, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? अब आप इस पोस्टर को, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ।
पहला काम, मेरा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो चुका है जिसके ऊपर मैं अब काम करने वाला हूं। नेक्स्ट, मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, उसका साइज क्या रखना है मैंने, क्योंकि अपने पोस्ट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट पे जाके देख लेता हूँ, मेरे पास प्रिंट के अंदर नहीं है, फोटोज के अंदर नहीं, आर्ट, मोबाइल, फिल्म नहीं है, तो मैं कस्टम अपने पोस्टर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा, पोस्टर के साइज, ठीक है, यानी कि कितना साइज का मेरे पास पोस्टर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास A4 ही है और वो में, क्योंकि मेरी जो आप लोगों को ये लैंडस्केप का रीजन मेरा ये था, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे पोस्टर है जो मैंने प्लेस करना है बिलबोर्ड, वो भी क्या है, लैंडस्केप में ही है। सो अब मैं जाऊंगा यहाँ इस लेयर को राइट क्लिक करूंगा और किस में कन्वर्ट कर दूंगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये मेरी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस स्मार्ट लेयर को मैं ड्रैग करके ले जाऊंगा अपने इस इमेज के ऊपर। स्मार्ट लेयर क्यों नहीं आ रही उधर? जस्ट अ मिनट, जी बैकग्राउंड पे मैं इमेज ले आया था, उसके बाद ये लेयर है, मैं इसको क्या करता हूँ, लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैं इसके साइज थोड़ा छोटा कर लिया मैंने। साइज छोटा करने के बाद मैं राइट क्लिक किया, मैं रोटेट करना चाहूँ रोटेट कर सकता हूँ, स्क्यू के जरिए भी मैं इसकी पोजिशन को चेंज कर सकता हूँ, यानी कि ये मैं इसके किसी भी एक एक एज को, क्योंकि परस्पेक्टिव में तो ये है कि वो अकॉर्डिंग टू परस्पेक्टिव से भी हम लोग कर सकते हैं, पर परस्पेक्टिव में ये होता है कि ये देखिए मैं आपके सामने करके दिखा दे, परस्पेक्टिव जब मैं इसको करता हूँ तो अब इसके इस साइड से मैं मूवमेंट करूंगा तो देखें उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी हमारे पास शेप चेंज हो रही है, ठीक है। बट स्क्यू में ये चीज नहीं होगी, स्क्यू में वन बाय वन मैं जिस एज को सिलेक्ट करके जिस साइड को लेके जाऊंगा, बट वो जो साइज उस लेयर का मैंने रखा है उसका लिहाज जरूर रखेगा। मेरा इमेज कहीं खराब तो नहीं हो रहा, उससे आउट तो नहीं हो रहा, आउट ऑफ ऑर्डर तो नहीं जा रहा, इस चीज का वो लाजमी चेक करेगा स्क्यू। ठीक है जी, सही फिट हो गया। इस तरीके से आप इसको सही फिट कर लेंगे, रोटेशन वगैरह करनी है आप लोग ये रोटेशन भी कर सकते हैं, स्केलिंग भी कर सकते हैं, परस्पेक्टिव भी है, डिस्टॉर्ट भी है, रैप भी है, डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हैं, ये आप कर सकते हैं। जब आपका फाइनल हो जाए आप यहाँ से भी प्लेस कर सकते हैं और राइट क्लिक करके भी, और यहाँ से भी प्लेस कर सकते हैं। अब ये प्लेस हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी फॉर एग्जाम्पल इसको सेव कर लेंगे, ठीक है, तो मैं इसे कर लेता हूं मॉकअप, तो मैंने इस मॉकअप को सेव कर लेना। जब भी मैंने अब यहां पे आके मैं डबल क्लिक करूंगा, ये एक न्यू विंडो में जाएगा, यहां पे आके मैं अपना पोस्टर ओपन करने के लिए प्लेस एम्बेडेड, ये मैंने पोस्टर रखा था, ये मैं ले आया हूं, इसका मैं साइज वगैरह जितना रखना चाहता हूँ, इस मुकम्मल के साइज का ध्यान करना, इसकी क्वालिटी जरा लो थी इमेज की आई थिंक, जिसकी वजह से ये ठीक है इस तरह से ब्लर हो गया। और मैं जब इसको प्लेस सेटिंग करने के बाद ओके कर दूंगा और सेव करूंगा तो ये मेरे मॉकअप वाले में आ चुका है।
क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने सेटिंग करते हुए जरा ज्यादा गौर नहीं किया था पोस्टर पे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। व्हाइट कलर थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, जूम करके आप देख सकते हैं। तो मॉकअप बना लेना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। क्लियर है जी? अब आप लोगों को मॉकअप, सो ये आप लोगों की रिक्वायरमेंट है कि आप लोग किस तरीके से उसको एडजस्ट करते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं। मैं अगेन एक मॉकअप का आपको करके दिखा रहा हूँ वर्किंग। हम एक और मॉकअप बना रहे हैं, ठीक है? वो भी हम बिलबोर्ड के बना लेते हैं, जो हमने दूसरा बिलबोर्ड रखा हुआ था। मैं ओपन, मैंने अपने उस इमेज, ठीक है, जिसको ऊपर मैं मॉकअप वगैरह बनाना चाहता हूँ, ठीक है, वो मैं अब ये साइन बोर्ड ले रहा हूँ। साइन बोर्ड लेके ये मैंने ओपन कर लिया, ठीक है जी। अब जो चीज भी आप जहां फिट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने वो सिंपल टेक्स्ट है आपका, तो आप उसके लिए एक लेयर बना लें, ठीक है? अब ये मेरे पास बैकग्राउंड है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा पोस्टर, ये सपोज दैट मेरे पास एक पोस्टर ही है, ठीक है, मैं वो ही लगाना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करूंगा, सॉरी, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। प्रोजेक्ट का जो भी आपका साइज है अकॉर्डिंग टू योर नीड आप वो सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं उसका साइज रख लेता हूँ A4 ही, बट लैंडस्केप में ओरिएंटेशन, ठीक है, क्रिएट कर दिया मैंने। इसको मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगा। कन्वर्ट करने के बाद मैं इसे ड्रैग करके अपने इमेज के अकॉर्डिंगली, अगर वो इमेज मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड में आ जाए, ठीक है, नहीं आ सकता तो दोनों तरीके से आपने बैकग्राउंड इमेज में उसे लेके आना है, ठीक है? तो इट्स योर ऑन क्या आप उसे किस तरीके से लेके आते हो, बैकग्राउंड पे या एक लेयर बना ले वहां पे इमेज को कॉपी करके ले आए, जैसे मैंने पिछली मॉकअप में किया, या फिर आप लोग क्या करें इस स्मार्ट लेयर को। तो इसको मैं स्मार्ट लेयर में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट द स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रजिस्टराइज्ड बिफोर प्रोसीडिंग सेटिंग कंटेंट। मैं एक टूल मूव किया स्मार्ट ऑब्जेक्ट को और यहाँ पे ला गई, क्योंकि ये इमेज की क्वालिटी बहुत लोअर थी और वो मेरी जो लेयर है स्मार्ट वो A4 साइज की है। तो आप लोगों ने करना ये, जब वो प्रोजेक्ट बनाए तो उसी के हिसाब से कर लें, नहीं किया तो आप कंट्रोल टी करें, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर फिर आप लोगों ने उस चीज का साइज पहले छोटा कर लेना, क्योंकि मेरी लेयर बहुत बड़ी थी जिस वजह से वो बहुत बड़े साइज की है। जिस आप लोग साइज का ध्यान करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अपने मॉकअप को उस साइज के अंदर एडजस्ट करना है जितनी मुझे जरूरत है। अब ये देखें, ये तकरीबन साइज उतना हो, मैंने छोटा तो किया बट अभी एग्जैक्टली नहीं हुआ, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं स्क्यू कर लेता हूँ। स्क्यू से ये कि मैं इसके एक एक एज को जिस प्लेस पे मैं रखना चाहता हूँ मैं वहां पे रख सकूंगा। ठीक है जी, सही फिट हो गया। ये कुछ इश्यूज हैं बेटा, बताया करें मुझे। फिट करने के बाद मैं प्लेस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये मेरी फॉर एग्जांपल मैंने बिल्कुल सही फिट कर लिया। अगर ये आपको लगे बा फिट करने के बाद नहीं यार इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अगेन इस लेयर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल टी दबाएं, आपके पास दोबारा वर्किंग में आ जाएगी।
ठीक है, फिर आप जूम कर लें, इसे प्लेस कर लें, पहले जूम कर लो। जूम इसलिए क्योंकि जूम के जरिए आप ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। देख रहे हैं, अब यहां पे प्लेसमेंट सही नहीं हुई थी, फिर मैं कंट्रोल टी कर लेता हूं और फिर इसको बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करें। सिमिलर ही आप दूसरी साइड को जब आपको लगे कि ठीक है, उसके बाद आप प्लेस करके अगेन चेक कर लें। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल ये ठीक सेट हो गया, आप इसको कंट्रोल एस करें, जो भी स्मोकअप को साइन बोर्ड स्पेस मोकअप सेव कर लें। और अपने पास हमेशा पीएसडीज हमने सेव करनी, क्योंकि पीएसडी ही इन फ्यूचर मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। अब ये मेरा मॉकअप बन चुका है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, इस लेयर के ऊपर मैं डबल क्लिक करके इस लेयर को मैं रीनेम कर लेता हूँ। मैं इस पे यहां लिख देता हूँ प्लेस पोस्टर हेयर। ताकि आप नेक्स्ट टाइम आपको पता हो कि कौन सी लेयर है जहां के मे भी आपके पास फ्रंट एंड बैक की भी हो, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप दिखा रहे हो, तो वहां पे हो सकता है इस तरह की इशू। तो फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, जब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, इस पीएसडी को ओपन करूंगा, इस लेयर पे डबल क्लिक करूंगा, ये नेक्स्ट पेज पे ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ पे आऊंगा फाइल, फाइल के अंदर प्लेस एम्बेडेड, जो इमेज प्लेस करना चाहता हूँ वो इमेज सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, उस इमेज के साइज सेट कर लूंगा। अगर आप इसी तरीके से व्हाइट एरिया छोड़ देंगे तो ये व्हाइट एरिया आपके पास वहां पे, ये जब मैंने सेट कर लिया इस इमेज को, और जैसे ही मैं चेक करूंगा ये उस साइज के अंदर एडजस्ट करेगा इमेज को, और जैसे मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा तो ये मेरे पास उस साइन बोर्ड मॉकअप के अंदर इमेज मेरा फिट हो जाएगा। अब आप इसको जूम आउट करके देख सकते हैं कि कैसा लगेगा मेरा ये रियल एनवायरनमेंट में मॉकअप। जी, मॉकअप के अबाउट किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। ये पहले मैंने इससे पहले एक क्लास ली थी, उस क्लास में मैंने ऑलरेडी बने हुए मॉकअप्स को आप लोगों को यूज करने का बताया था, यानी कि हमें डिफरेंट वेबसाइट से बने बनाए मॉकअप्स मिल जाते हैं, उनको इस्तेमाल किया था। आज हम लोगों ने खुद मॉकअप बनाए हैं। मॉकअप बनाना कोई इतना इशू नहीं था, ये स्टार्टिंग में मुझसे कुछ बच्चों ने कहा कार्ड मॉकअप, मैंने कहा बेटा अभी फिलहाल आप लोग कोरल ड्रा में बना लें, बाद में इंशाल्लाह हम लोग इसको डिफरेंट करेंगे मॉकअप्स को। तो आप लोग एक और गिग्स अपनी बनाते हैं ग्राफिक्स की, तो उनके अंदर एक चीज ये बड़ी क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, आई विल प्रोवाइड यू रियल एनवायरनमेंट मॉकअप्स। ठीक है, फिर आप लोग अपने जो उसके पैकेजेस ऑफर करते हैं उन पैकेजेस के अंदर भी ये मेंशन कर सकते हैं कि मैं आपको कितने मॉकअप्स दूंगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कार्ड आप लोग पोस्टर डिजाइन करके दे रहे हो तो पोस्टर के साथ आप कह सकते हो कि बेसिक्स के अंदर आप फॉर एग्जाम्पल कह देते हो एक मॉकअप मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके डिफरेंट ऑफर्स के अंदर आप, यानी कि जो उसके तीन, क्योंकि आप लोग वहां पे बना रहे होते हैं एग्जेक्टिव के अंदर, आप उसको ज्यादा मॉकअप्स ऑफ मॉकअप बनाने में कितनी देर लगे, मॉकअप आपका बना में जस्ट आपने इमेज प्लेस करने सेव करने वो आपके पास आ जाएगा और आप मॉकअप उसे दे देंगे, या क्लाइंट आपको कोई स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। और ये भी आपको बता दूं कि फ्रीलांसिंग में डिफरेंट वेबसाइट पे मॉकअप बनाने के भी टास्क मिल जाते हैं। क्लाइंट अपने ऑफिस की तस्वीर दे देता है या उसके बाहर कोई साइन बोर्ड लगा, वो कहता है कि जी इस ऑफिस के बाहर मेरा लगा हुआ मॉकअप कैसा लगेगा, ठीक है इसका मॉकअप मुझे बना के दें, इस बोर्ड के ऊपर लगा के दिखाएं ये कैसा लगे, किसी चौक की तस्वीर दे देता है उसका मॉकअप वो चाहता है।
कि वो मेरा पेनाफ्लेक्स ये पोस्टर कैसा लगता है इस पे, तो ये टास्क भी हमें मिलते हैं। तो ये आप लोगों की वर्किंग है कि आप लोग इसको किस तरीके से बेटा विन करते हो।